हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार और कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्सेल की कुछ अमेजिंग ट्रिक्स हम यहाँ पे लेके आए हैं इस वीडियो में, जिसमें आप सीखेंगे कि हम ऑटोमेटिक शीट कैसे इंसर्ट करें या उन सभी शीटों को एडजस्ट किस प्रकार करें, उनका फॉर्मेट एक साथ कैसे चेंज करें, या फिर इधर उधर तितर बितर बिखरे डाटा को हम संयोजित ढंग से किस प्रकार एडजस्ट करेंगे। तो ये सारी ट्रिक्स सीखेंगे इस वीडियो में, इसको अंत तक जरूर देखिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम बताते हैं कि एक साथ अगर हमने बहुत सारी सीटें इंसर्ट करनी है तो किस प्रकार करेंगे, और बहुत सारी सीटें इंसर्ट क्यों करते हैं, जरूरत क्यों पड़ती है। एग्जांपल, हम सैलरी बना रहे हैं तो सैलरी हमको हर महीने की चाहिए तो हर महीने की सीट बनानी पड़ती है, या फिर कोई डेट वाइज काम करें पर डेट की सीट बनानी पड़ती है, वीकली या संडे मंडे हमने अलग अलग सीट इस प्रकार क्रिएट करनी पड़ सकती है अपने डाटा के हिसाब से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीट इंसर्ट करेंगे, यहाँ से एक एक सीट इंसर्ट करेंगे, फिर उनको रिनेम करेंगे, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम क्यों ना यहाँ पे कोई भी डेट या कोई मंथ या वीक का नाम हम यहाँ पे डाल लें, और जितने हमने सीट बनानी है उतने नाम हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दिसंबर तक डाल लिए मंथ्स के नेम, ऊपर मैं लिख देता हूँ मंथ्स, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपली हमने इनको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, हो गए सेलेक्ट। फिर हम एक प्राइवेट टेबल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से करेंगे प्राइवेट टेबल। प्राइवेट टेबल के अंदर हमारी डाटा रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, इसी सीट के अंदर, इसी वर्कशीट के अंदर हम प्राइवेट टेबल क्रिएट करेंगे। लोकेशन आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर कर्सर को छोड़ दिया और यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। ओके, हमारी प्राइवेट टेबल आ गई। राइट साइड में देख रहे हो, इनकी फील्ड भी दिखा रहा है, हमारे पास एक ही फील्ड है मंथ की, तो एक ही दिखाएगा। इस मंथ को यहाँ से उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ पे फिल्टर में, ठीक है, फिल्टर में छोड़ दिया। तो हमारे पास यहाँ पे फिल्टर लग गए, देख रहे हो आप, यहाँ पे इस फिल्टर के अंदर सारे मंथ्स नज़र आ रहे हैं। अब हमने इस पे ऑल वाले, इस वाले सेल पे रखना है जहाँ से हम फिल्टर ओपन कर रहे हैं। अब ऊपर देखोगे यहाँ पे मिलेगा आपको एनालाइज, एनालाइज के अंदर आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे नज़र आएगा आपको ऑप्शन, जो प्राइवेट टेबल के नीचे मिलेगा, और यहाँ से ऑप्शन क्लिक कर लें और इसमें दिख रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेज, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। क्लिक करते ही आपके पास एक ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखोगे आपके पास ऑटोमेटिक सारी सीट्स वहाँ पर क्रिएट हो गई, हमारे सभी मंथ्स की सीट यहाँ आ गई, देख पा रहे ना। हम किसी भी सीट पर जाके देखेंगे तो जो हमारा फिल्टर लगाया था हमने वो भी एक कॉर्नर में सभी पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सभी शीटों पे हम एक साथ कैसे काम करेंगे। एक तो हमने सभी शीटों से ये वाला फिल्टर हटाना है, दूसरा सभी शीटों पे हमने कुछ फॉर्मेट भी तैयार करना है जो कि एक जैसा होता है। तो दोनों काम एक साथ करते हैं, हम किस प्रकार करेंगे। अगर 5-10 भी सीटें हैं आपके पास तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर पाओगे, अगर 30-40-50 सीटें हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके लिए आप किसी भी एक सीट के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करें और वहाँ पे कर दें सेलेक्ट ऑल सीट। ये मैंने पहले ही पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सभी सीटों पे हम एक साथ कैसे काम करेंगे, यूनिट कन्वर्टर वाले हमने वीडियो में बताया था। सभी सीटें हमारी सेलेक्ट हो गई और अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सारे को डिलीट कर देंगे, कंप्लीट। अब जो भी हमने फॉर्मेट तैयार करना है, हम यहाँ पर नॉर्मल लिख लेते हैं माई फॉर्मेट, इसको एग्जाम्पल हमने इतना मर्ज भी करना है, मर्ज कर लिया हमने, इसको कलर भी दे दिया, साइज़ भी हम इसका बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इसके नीचे हमने ये पूरी एक टेबल क्रिएट करनी है, इसका बॉर्डर क्रिएट कर दें, और कॉलम्स के साइज़ भी हमने थोड़े से डिफरेंट चाहिए ताकि इनमें हम कुछ काम करना है उस हिसाब से। इसके अलावा इनका फॉर्मेट टेक्स्ट का, भाई हमको ये बोल्ड चाहिए, हम बोल्ड कर लेंगे। इनका साइज़ भी हमको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, 16 का साइज करना है, किस कलर में लिखना है, या फिर टेबल का कलर डिज़ाइन देना चाहें, सब वहाँ पे चुन सकते हैं एक ही सीट में, एक ही फॉर्मेट के अंदर। फिर आप देखोगे किसी भी शीट के ऊपर जा कर के तो सभी शीट में आपको सेम स्थिति मिलेगी, सेम पोजिशन आपको वहाँ पर सभी शीट में वो फॉर्मेट मिलेगा, आपका काम मिलेगा। आसान था दोस्तों, आप अपनी शीट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं,
कोई अगर आपकी सीट का नाम चेंज ना कर सके, उसको रिनेम ना कर पाए या फिर उस सीट को डिलीट ना कर पाए, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, किसी भी सीट पे रहेंगे और ऊपर नज़र आएगा आपको रिव्यू का ऑप्शन। रिव्यू के अंदर होता है हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक या प्रोटेक्ट शीट। हम प्रोटेक्ट वर्कबुक पे चुन लेंगे। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना, जो हमको पासवर्ड याद रहे। मैंने 3 बार 4 बार स्पेस डाल दिया वहाँ पे और ओके। ठीक है, फिर से री एंट्री के लिए कह रहा है, मैं फिर से 4 बार स्पेस डाल रहा हूँ और ओके। अब हम किसी भी सीट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, उस सीट को हमने डिलीट करना है या रीनेम करना है, तो देख रहे हो आप यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे डिसेबल हो चुके हैं। ये सीट्स ना तो यहाँ पे अब डिलीट होगी, ना रिमूव होगी, ना रीनेम होगी। फिर से अगर हमने इसको रीनेम वगैरह करना है अपने हिसाब से, तो वापस हम प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर जाएंगे और यहाँ से अपना पासवर्ड चुनेंगे। मैंने 4 बार स्पेस यूज़ किया था, ओके। और अब आप देखोगे हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे चलने लग गए। अब आता है हमारा डाटा एनालिसिस का। डाटा हमारा बिखरा पड़ा है फ्रेंड्स, कि हमने जल्दबाजी में क्या किया, इस तरह लिख दिया कि सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स। सीरियल नंबर 1, फिर नेम, उसके बाद रोल नंबर, फिर क्लास। ये डाटा इस तरह से पड़ा हुआ है, हमने इसको सिक्वेंस में कॉलम वाइज करना है और हमारे पास समय कम है, तो कैसे करेंगे? नॉर्मल से तरीके हैं, हमने सिर्फ इतना डाटा ही लेकर के कॉपी करेंगे और अपने सही जगह पे आके उसको पेस्ट स्पेशल करके हम ट्रांसपोज कर देंगे। इसी तरह हम सभी डाटा को बारी बारी से वहाँ से यूँ कॉपी करते रहेंगे और यहाँ पे आके हम इसको ट्रांसपोज करते रहेंगे। इस तरह से हम इसको ट्रांसपोज करते रहेंगे। तो अगर डाटा हमारा 10, 20, 30 फील्ड तक ही है तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाटा जब सैकड़ों या हज़ारों में होता है तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर और है, कुछ इस तरह भी करते हैं, इज इक्वल टू के साइन के साथ एंटर, फिर से हम चले जाएंगे इज इक्वल टू, दूसरा सेल, एंटर। लेकिन ये भी एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन सही कौन सा है? सही दूसरे वाला है, और इसको हम शॉर्ट बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे, देखो मैं क्या करता हूँ। हम नॉर्मल सिर्फ सेल एड्रेस ही लिखेंगे, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम। लेकिन सेल एड्रेस से पहले, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है, जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए ये A1, फिर वहाँ पे नेक्स्ट में चाहिए हमको A2, A3, A4, ये चाहिए ना। और इक्वल टू के साथ लेते हैं आप, हम सिंपल लेंगे और इस A1 को मैं कुछ भी एक करेक्टर के साथ ले लेता हूँ। मैं अपना नाम डाल देता हूँ MK, कोई भी नाम डाल सकते हैं आप। नाम डालने के बाद मैंने MK डाला और फिर मैंने डाल दिया A1, ठीक है। नेक्स्ट में मैंने डाला MK और A2, फिर से MK और A3, फिर से MK और A4। मेरे पास कितने कॉलम है? 5 हैं। MK, A5, ठीक है। दूसरी लाइन भी हम डाल लेते हैं, MK A6, MK A7, MK A8, MK A9 और MK A10 डाल दिया। बस हो गया हमारा काम। अब देखो कितना आसान बनाते हैं हम इसको। मैंने इसको सिलेक्ट किया और जितनी भी फील्ड आनी हो हमारी वहाँ तक मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। हो गया ड्रैग। अब सारे को सिलेक्ट रहने देना है और एक फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है, कंट्रोल F फॉर फाइंड और कंट्रोल H फॉर रिप्लेस। हम कंट्रोल H यहाँ पे दबाएंगे तो एक फाइंड और रिप्लेस की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हमने रिप्लेस क्या करना है, फाइंड व्हाट, हमने जो MK लिखा है, जो भी करेक्टर दिया है उसको रिप्लेस करना है। किसमें रिप्लेस कर देंगे हम? यहाँ पे इज इक्वल टू में रिप्लेस कर देंगे, यानी MK की जगह इज इक्वल टू लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, वो फॉर्मूला हो जाएगा ना, इज इक्वल टू के साथ शुरू होता है फॉर्मूला। और एक बार फाइंड करके देखते हैं, रिप्लेस ऑल और ओके, क्लोज। आ गई सारी फील्ड। कैसे आई दोस्तों ये फॉर्मूला, कैसे लगा कि अगर हम मैन्युअली इज इक्वल टू और एक एक सेल देते तो बहुत टाइम लगता। हमने क्या किया, हमने एक कॉमन करेक्टर डाल लिया कोई भी, मैंने MK डाला था यहाँ पे, और सभी में उस करेक्टर के बाद मैंने वो सेल एड्रेस लिख दिया, ठीक है। अब ज़रूरत क्या थी हमको, जो स्पेशल करेक्टर डाला था उसको हटा के उसकी जगह इज इक्वल टू लगा देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा।
कि इज इक्वल टू फलां सेल इज इक्वल टू डिम का सेल इज इक्वल टू फलां सेल। तो क्या हो गया, फॉर्मूला लग गया और सारे हमारे आसानी से उठ के आ गए, चाहे हजारों लाखों सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप ये रिपीट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।